हमारे मुल्क की अखबारात में आमिर हजरात की तरफ से बड़े जोरदार और कुरान शरीफ के हवालों से अमलियात के जरिए से हर किस्म की जरूरियात मसनून औलाद का न होना, शादी में रुकावट, बेरोजगारी वगैरह के इश्तहारात छपते हैं और लोगों के खत भी छापे जाते हैं जो अपनी मुराद आमिर हजरात के तालीस दंडों से पूरे होने का शब्दोमत जिक्र करते हैं। क्या कुरान शरीफ और हदीस से इस किस्म के आमिलों और उनके अमलियात का जिक्र या इनका कोई सबूत मिलता है? अब ईसाई हजरात भी इस मैदान में आ गए, शायद ने अपने नाम से पहले असली ईसाई भी लिखा है। ये सब बातें क्या हैं, बराए करम रहनुमाई फरमाए। देखिए जी, ये जितने भी आमिल हैं इनमें से ज्यादातर तो तजर्बे से यही मालूम होता है कि फ्रॉड लोग होते हैं और पैसे बटोरना और लोगों को गलत रहनुमाई करके बर्बाद कर देना, यही उनका असल अमल होता है। जिस तरह के दावे ये हजरात करते हैं वो खुद बता रहे होते हैं कि मालूम ये होता है कि सारी तकदीर अल्लाह ताला ने उन्हीं के हाथ से पकड़ा रखी है, आप जो चाहे जाके दो मिनट में करा के वापिस आ जाए। तो ये जो चीज है ये दुनिया के अंदर तो अल्लाह ताला भी नहीं करते। इसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला के पास भी अगर आप जाएंगे तो वो मजमूई हिकमत के लिहाज से आपकी बात मानेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो बात लेके चले जाए मान लो, एक किसान अपनी फसल उगा के बैठा हुआ है और वो दुआ कर रहा है कि परवरदिगार मैं आपके दरबार में आ गया हूँ, आप बारिश न बरसाइएगा। और दूसरी जानब हो सकता है कि किसी आदमी के लिए बारिश की बड़ी नागुजी जरूरत, वो भी दुआ कर रहा है, तो मजमू हिम्मत में अल्लाह ताला फैसला करेगा। अच्छा, ये मुमकिन है कि एक किसान बारिश के लिए बेताब हो कि मालिक आज ही बरस जाए और एक बेचारा कुटिया वाला दुआ कर रहा हो कि परवरदिगार अभी तो मैंने दो ईंटें लगाई है, बैंक ले जाएंगे। सबकी तो अल्लाह ताला भी नहीं सुनते और सुने तो दुनिया का निजाम धर्म धर्म हो जाए। लेकिन आमिल हजरात के इश्तहारात आप पढ़िए तो मालूम होता है कि अल्लाह ताला तो गालिबन सारे काम छोड़ के मुअत्तल हो चुके हैं। अब तो आप इनके दरबार में चले जाए, जो करा के चले आ जाए। ये है।